प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, चुप, जल्दी करो, मैं बोल रहा हूँ, लाश को जल्दी दबाओ। चुप, अरे दबाओ भाई लाश को, जल्दी दबाओ। फुलमणि, देख लिया, तेरे कारण आज जमींदार के सामने मुझे जलील होना पड़ा। इतने खफा है कि मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। कुछ दिन की मोहलत और ले लेते, काम तो हो ही जाएगा। अरे भाई लाश को दबाओ, जल्दी करो, जल्दी। ये बनाओ श्रृंगार, ये तन पर कीमती गहने, और तुम दोनों विधवा बहनों को समाज में उठने बैठने का स्थान किसने दिलाया है? अरे किसने दिलाया है? और तुम उसका एक छोटा सा काम तक नहीं कर सके है? अरे भाई जल्दी करो। प्रफुल्ल को लाने के लिए कहा था ना, लाई? नहीं। तेरी वजह से तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी। अब कितना कुछ तो कर रही हूँ दुल्ला बाबू। ठीक है, उसकी शादी नहीं रुकवा सकती, पर ससुराल वालों में उसे इतना जलील करवा दिया कि ससुराल वालों ने उसे पहले दिन ही घर से निकाल दिया। उसकी माँ को उल्टा कहलवाया। ये सब किसकी दिमाग की उपज थी? मेरी ही ना। अब वो गांव आ गई है तो भूख मरने लगी है। उधार दे तो रही हूँ, फंसा तो रही हूँ उसे अपने जाल में। अब वो कोई वेश्या तो है नहीं जो टक्का दे के ले आऊं। अगर वेश्या नहीं है, है तो बना देना। आखिर जमींदार ने तुझे रखा किस काम के लिए है? दुल्ला बाबू जरा ठंडे दिमाग से काम लो। अगर काम वालों ने देख लिया कि हम प्रफुल्ल और उसके माँ के पीछे पड़े हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दुर्लभ बाबू, सरकार आपको बुला रहे हैं। आता हूँ, आता हूँ।
बोलिए सर्वो सर्वो मंगले मंगले मंगला देवी मंगला देवी शिवे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते जय मां। अपनी परंपरा में हिंदू धर्म कभी भी मजबूत नहीं रहा। हाँ, क्रिश्चियन धर्म का बात और है। इंग्लैंड और यूरोप के ताकतवर चर्च ने कई बार बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। ऐसा खतरा हमें हिंदू धर्म के महंतों से नहीं है। प्लस पॉइंट फॉर अस कैप्टन हेडबल। अरे नैना तिरछी मारे आह, अरे नैना तिरछी मारे नैन, अरे इधर करना, अरे नैना तिरछी मारे आ? अरे अच्छा तो है ना। चलो, अरे फूल मनी पैसे तू लव चौधरी से ले लेना। चल भागोए। नैना तिरछी मारे, तेरे नैना तिरछी मारे, क्या मोरनी जैसी चाल है। अब तो इस दुर्लभ दास को तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए। तुम तो हमेशा रोते ही रहते हो। मेरा रोना तो तब शुरू होगा जब देवी सिंह का रोना खत्म हो जाए। जब से जमींदार ने प्रफुल्ल मुखी को देखा है, उसकी बेताबी और बढ़ गई है। दुर्लभ बाबू, सब्र का फल मीठा होता है। अरे बेवकूफ, अगर कहीं प्रफुल्ल मुखी गांव से भाग निकली तो जमींदार मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। नमक लगा लगा के खा जाऊंगी। मजाक बंद कर। ये मजाक नहीं है, जोर जबरदस्ती से क्या फायदा। और फिर जबरदस्ती करके देवी सिंह प्रफुल्ल को कितने दिन अपने यहाँ रोक पाएंगे। एक बार प्रफुल्ल वहां पहुंच गई तो सब ठीक हो जाएगा। औरत को चाहिए क्या, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, जेवर, यही सब ना।
भूतनाथ गांव और कितनी दूर है भैया? अभी दूर है माँ जी, भूतनाथ गांव वीरेंद्र प्रदेश में है। ये तो आप लोगों के लिए वहाँ चल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उस गांव की धरती पे कभी पाँव न रखूं। क्यों रे? इसलिए माँ जी कि वहाँ की माटी बड़ी बेरहम है। वहाँ का जमींदार देवी सिंह भी बड़ा जालिम है। उसने मेरी पुरखों की जमीन हथिया ली। इन हवेलियों की नींव तो घरों को खाड़ कर ही रखी जाती है। इन्होंने कभी घर बसाए नहीं, हमेशा उजाड़े हैं, किसी को सहारा भी नहीं दिया, बस खुला आकाश ही दिया है। तभी तो मैं डरती हूँ मेरी बच्ची, कहीं तू भी अपने हिस्से के खुले आकाश का टुकड़ा लेकर ना लौटे। गरीब के घर से लड़की लेना ठीक है, देना ठीक नहीं। मैंने तो वैसे ही किया। Thank you.
नहीं थे तो काहे बुला लिया भाई? क्यों बुलाया भाई? हम तो जानवर खो रहे हैं ना। है दे रहा है एक टिकट तो है। ये भिखारी है क्या? है देखो सर, ये तो क्या है, मतलब भिखारी है क्या? खाना दिया है, भिखारी समझ के रखा है हम लोग। अपने हिसाब से करता है भाई, पूरे गांव को बुला के। मेरा कुछ क्या था? अरे क्या खाओ ना, ये खाना है। वो क्या कहते हैं, अरे क्या जानवर बैठे हैं यहाँ? अरे प्रफुल्ल की माँ, अपने गांव वालों की ऐसी दुर्दशा। राम 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 राम। अरे हमसे कहा होता तो हम अपने घर से पूरी तरकारी बढ़वा लाते। अरे सुनिए, अरे सुनिए, ऐसी अनर्थ ना करें, ऐसी अनर्थ ना करें। उस गरीब की इज्जत अपने बड़प्पन से ढाप ले, ऐसी अनर्थ। पांच दिन से उपवास कर रखा है मैंने कि आज यहाँ आके हलवा पूरी खाऊंगा। अरे शर्म हया क्या, तुम लोगों ने बिल्कुल बेच खाई है। बेचारी की जितनी चादर होगी उतना ही तो बिरादरी वालों को खिला पाएगी, क्यों दुर्लभ बाबू? अरे भाई सुना, क्या कहा इसने? सुना, ध्यान देके सुनो। मुझ पर दया करो, मेरे सामर्थ्य का ठट्टा मत उड़ाओ। प्रफुल्ल की माँ, अगर इतना ही सामर्थ्य थी तो नहीं करना था जमींदार का घर रिश्ता। हाँ और क्या भाई, सही कह रहा है, अपने हिसाब से अपने बिरादरी। भगवान के लिए आहिस्ती, भगवान के लिए आहिस्ती, ससुराल वाले हैं, आहिस्ता बोलिए, ऊंचा ना बोलिए। भगवान तुम्हारा भला करे, हम किसी का दिया हुआ खाते हैं क्या? उल्टा कहीं की, अरे जैसी माँ वैसी बेटी। अरे बहु बेटियाँ तो सबकी समान होती है। देखो प्रफुल्ल की माँ, अपनी तुलना हमारी बहु बेटियों से मत करो, अच्छा नहीं होगा। अरे तेरी बदनामी के किस्से घर घर गाए जा रहे हैं, अब हमारा मुंह मत खुलवा। अरे तेरे मुंह में बोल है कि अंगारी। चल हट परे, बड़ी आई। अरे इस बेचारी को क्यों सता रहे हैं आप लोग? इसकी दुर्दशा किसी से छिपी है क्या? कहाँ से लाएगी बेचारी हलवा पूरी? क्यों काका, आप ही कहिए। ओ कलमुही, तू भी इस बदकार के साथ मिली हुई है क्या? तो सब कुछ सुनने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ बैठे हो, चलो उठ यहाँ से। नहीं चलो भाई, सब जाओ जाओ, जहाँ हलवा पूरी वहीं जाओ। चल चलो, यहाँ कोई मत बचाओ, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लड़की की जिंदगी का सवाल है। इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम विधान चट्टोपाध्याय नहीं। विधान दादा चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इसकी लड़की कैसे बसती है। अरे क्या समझ रखा है इन लोगों ने, घर के होंगे, हमको क्या पड़ी है, हम भी अपने घर के बड़े हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, औकात तो है। जमींदार साहब, निमंत्रित सब आ गए हैं, बहू माँ को बुलाइए, बहू भात शुरू करवाइए। हाँ हाँ हाँ, अरे बहू माँ को भेज दो। आइए आइए देवी सिंह, आइए। मोक्षदा, बहू को परात दो, परोसो बेटी। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, परंतु इस बागदी के बेटे के हाथ अन्न ग्रहण ब्राह्मण के लिए संभव नहीं। ब्राह्मण? ब्राह्मण को तो छोड़िए, एक साधारण मनुष्य भी एक कुल्टा के हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा।
अगर मुझ पे विश्वास ना हो तो आप वेद पुराण शास्त्र पढ़कर देख लीजिए, मैं सही कह रहा हूँ ना पुरोहित जी? बागदी की बेटी? कौन बागदी की बेटी? प्रफुल्ल, अगर जमींदार मौसा इस नीच जाति की लड़की को घर से ना निकाले तो फिर हम ब्राह्मणों के लिए इस घर के किसी अनुष्ठान में उपस्थित होना संभव नहीं होगा। क्या? बिल्कुल सही विधान दिया आपने पुरोहित जी। ए ब्रजेश्वर, भेज दो इस लड़की को इसके मायके। और तुम लोग सुन लो, इस कुलटा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। चलो 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 सब यहाँ से। ब्राह्मण क्या इस तरह की बात है? लीजिए माँ जी, वहां से भूतनाथ गांव की सरहद शुरू होती है, बस आप यहीं उतर जाइए। और वो रही जमींदार हरबल्लक की हवेली, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। प्रफुल्ल, चल बेटी। राम राम। बेटी घबरा मत, चल